कितना खूबसूरत सजाया गया है। देखिए एंट्री गेट जो है, देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है, पूरा लाइटिंग का व्यवस्था किया गया है। देख सकते हैं बड़े खूबसूरत तरीके से साफ सफाई भी किया गया है और उधर खूबसूरत सा दृश्य बनाया जाता है, जैसे कि आप वो देख सकते हैं लाइटिंग। गांव का ही बात तो कुछ और ही होता है गाइस, क्योंकि यहां आस्था के साथ साथ उत्साह के साथ हर चीज को मनाया जाता है। तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो, तो स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। गाइस अभी हम उपस्थित हैं अपने हवेली खड़गपुर के मुजफ्फरगंज में, और सबसे पहले आप लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हमारे ग्रामीण के जितने भी लोग हैं कितने खूबसूरत तरीके से छठ पूजा मनाते हैं, क्योंकि यह बिहार का जो है पर्व नहीं है, ये एक इमोशन है जो कि हर एक छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग का दिलों से जुड़ा हुआ है। काफ़ी आस्था रहता है इस पर्व को लेके, जैसा कि आप देख रहे हैं मुजफ्फरगंज के नदियों को कितने खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है। सभी ग्रामीण इसमें शामिल हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी शामिल होकर इस महापर्व में शामिल होते हैं और काफ़ी खूबसूरत तरीके से इस स्थान को बनाते हैं, ताकि कोई भी माता बहन इस स्थान पर आए तो कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जैसा कि आप देख सकते हैं सीढ़ियों के द्वारा एक पुल बनाया जा रहा है, जो कि यहाँ के ग्रामीण हैं सभी, कितने खूबसूरत तरीके से बनाया जा रहा है। कहा जाएगा जो कि शाम में संध्या अर्घ दिया जाता है, और देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये मुजफ्फरगंज का ये जो नदी है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और इधर देखिए हर जगह जगह पे देखिए कितने अच्छे तरीके से सज चुका है। तो हमारे जो बिहार में है एक छठ पूजा ही एक ऐसा पर्व है जो कि हमारे दिलों से जुड़ा हुआ है। हम लोग इसे पर्व नहीं कहते हैं, एक इमोशन कहते हैं, जो कि हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है। और हमारे ऐसा नहीं कि हम लोगों के, छोटे से छोटे बच्चों का भी अपने दिलों से इस तरह जुड़ा हुआ है, जो कि बड़े ही उत्साह के साथ छठ गंगा घाट जाते हैं। अगर बिहार के किसी भी कोने में कोई लोग बिहार का रहते हैं तो एक बार वो छठ पूजा में घर आने के लिए अवश्य सोचते हैं, क्योंकि यह हम लोगों का पर्व नहीं एक इमोशन है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों अपने परिवारों में, एक एक करके आपको सभी जगह ले जाएंगे। अभी तो हम मुढ़ेरी आए थे, उसके बाद हम आपको धीरे धीरे खड़गपुर भी ले जाएंगे, और वहाँ का भी जो है घाट को किस तरह से सजाया गया है उसको भी दिखाएंगे। तो गाइस अभी हम उपस्थित हैं सिंहपुर के मणि नदी में, और यहाँ भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से छठ को लेके ग्रामीणों के द्वारा बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं उधर कितने खूबसूरत तरीके से घाट बन गया है, और जगह जगह एक खूबसूरत सा दृश्य बनाया जाता है, जैसे कि आप वो देख सकते हैं। लाइटिंग का भी व्यवस्था इस तरह किया जाता है कि रात में भी अगर आप आते हैं तो यहाँ खूबसूरत सा दृश्य आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा रहता है। और ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये नदी का पानी बहुत ही साफ़ हो जाता है। अभी हालांकि काम हुआ है तो इसके वजह से थोड़ा गंदा है, लेकिन जब मॉर्निंग में आप आइएगा, यानी कल के अर्घ के लिए आप शाम में आइएगा, तो पूरा साफ रहेगा और काफ़ी खूबसूरत सा दृश्य यहाँ का देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। और तो गाइस अब हम आप लोगों के लिए आ चुके हैं थानापुर के पास ही एक नदी है, जिसे कि सब लोग मणि नदी या सद्भवना घाट कहते हैं, और यहाँ भी छठ पूजा लेकर काफ़ी खूबसूरत तरीके से इस स्थान को सजाया जा रहा है, ताकि कभी कोई भी प्रवेतनी आए तो उसे कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। आसपास के ग्रामीण एवं यहाँ के जो चेयरमैन हैं उनका काफ़ी निगरानी रहता है इस सब चीज़ों पे, और काफ़ी योगदान भी रहता है, जितना हो सकता है सभी जगह अच्छे तरीके से सजाया जाता है। जैसा कि देख सकते हैं बड़े खूबसूरत तरीके से साफ सफाई भी किया गया है, और उधर देख सकते हैं सीढ़ियों को किस प्रकार से धोया जा रहा है, ताकि यहाँ एक खूबसूरत सा दृश्य बनाया जा सके और माताएँ बहनें जब इस स्थान पे आए तो काफ़ी अच्छा लगे। तो आप देख सकते हैं लगभग काम हो ही चुका है, और आपको बता दें फिर से ये थाना मोड़ के पास ही है ये नदी, जिसे मणि नदी भी कहते हैं, बहुत लोग मणि नदी भी कहते हैं और सद्भवना घाट भी कहते हैं। गाइस अब गाइस हम आप लोगों के लिए आ चुके हैं हवेली खड़गपुर का सबसे खूबसूरत जगह, यानी कि मुंगेरी डिस्ट्रिक्ट का सबसे खूबसूरत जगह, यानी कि खड़गपुर झील। और यहाँ भी बड़े ही खूबसूरत तरीके से छठ पूजा मनाया जाता है, जगह जगह देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से घाटों को बनाया गया है, और बड़े ही खूबसूरत तरीके से यहाँ छठ पूजा मनाया जाता है। उधर देख सकते हैं हाल में ही में ये सब बन के तैयार हो रहा है, कुछ दिन में ये फिनिश हो जाएगा, उसका भी अपडेट आपको हमारे पेज पे मिल जाएगा। और जगह जगह देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात आपको बता दें, यह हवेली खड़गपुर का सबसे खूबसूरत छठ पूजा यहीं पे सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ का जो दृश्य है काफ़ी खूबसूरत है। गाइस अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप देख सकते हैं अभी कुछ ही देर में सनसेट होने वाला है, और देख सकते हैं किस तरह से सन लग रहा होगा आपको, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब गाइस हम उस जगह आ चुके हैं जहाँ के जैसे आप झील से ऊपर आते हैं तो आपको अभी देखिए छठ पूजा लेके कितना खूबसूरत सजाया गया है। देखिए ये एक
बनाया गया है जो कि काफ़ी खूबसूरत यहाँ लग रहा है। लाइटिंग का व्यवस्था किया गया है और यहाँ से जो एंट्री गेट है झील का उसको पूरी तरह से खूबसूरत लाइटिंग के द्वारा सजाया गया है। आ चुके हैं अब खड़गपुर झील का एंट्री गेट के पास, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, ये हाल ही में ये जो है आपका ये पर्यटन विभाग की तरफ से बनाया गया है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। और देख सकते हैं श्री श्री 108 छठ पूजा समिति बनबरसा झील, यानी कि ये झील बनबरसा में है। देखिए एंट्री गेट जो है, देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है, पूरा लाइटिंग का व्यवस्था किया गया है। काफ़ी खूबसूरत लगेगा यह स्थान आपको जब आप छठ पूजा में आइएगा। तो मेरा कोशिश था कि खड़गपुर के खूबसूरत जगहों को छठ पूजा को लेके कैसा तैयारी चला है दिखाने का, तो कैसा आप लोगों को वीडियो में हम दिखाएँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में एक बार जय छठी मैया ज़रूर लिख दीजिएगा गाइस।